हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कर्मचारियों और पेंशन के लिए 5% पेंशन में बढ़ोतरी, एज 65 होने पर 5%, 70 होने पर जो है 10% और 75 होने पर जो है 15% की पेंशन में बढ़ोतरी से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आई है। एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो है सरकार की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है, रिटर्न अपडेट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आपको दिखाया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू आगे इसी तरीके से वॉच कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से 20 मई 2022 को जारी किया गया है, जिसमें एक मीटिंग हुई थी 12 अप्रैल 2022 को स्कोवा की मीटिंग हुई थी, जिसमें जो है स्कोवा के चेयरमैन और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं यूनियंस और फेडरेशंस के अधिकारी और जिसके अलावा भारत सरकार के अधिकारी उस मीटिंग में आए थे। तो उसकी मीटिंग के बाद में 20 तारीख को 12 अप्रैल को मीटिंग हुई, 20 तारीख को उसके मिनट्स आए और मिनट्स में जो है सरकार ने जवाब दिया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन वहाँ पर ये उठाया गया था कि इन्हांसमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन, यानी कि अगर आप जब 60 साल में रिटायरमेंट होते हैं तो 65 साल में आपको 5% पेंशन में इंक्रीमेंट, 70 साल में 10% इंक्रीमेंट, साथ ही साथ 75 साल में आपको 15% का इंक्रीमेंट मिले और उसके 80 साल के बाद आपको पहले से रूल है कि जो है आपको 20% पेंशन में हाइक दे दिया जाता है। लेकिन सर जो है कर्मचारियों की और पेंशनर्स की सरकार से रिक्वेस्ट थी कि हर साल 1% को बढ़ाया जाए या फिर 5 साल के ब्लॉक में 5% को उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए, या फिर 65 साल होने पर 5%, 70 साल होने पर 10% और 75 साल होने पर 15% की बेसिक में पेंशन को बढ़ाया जाए, और जब 80 साल हो जाते हैं तो उसके बाद में 20% पेंशन में हाइक पहले से ही है रूल है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या आंसर आया, आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन भी दिखाई दे रहा होगा। डिस्कशन डिसीजन ऑन द एजेंडा आइटम जेएस पेंशन डीओपीपीडब्ल्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की तरफ से इन्फॉर्म डेट अ प्रपोजल टू ग्रांट एडिशनल पेंशन ऑफ 5%, 10% एंड 15% ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स, 70 ईयर्स एंड 75 ईयर्स रेस्पेक्टिवली इज अंडर कंसिडरेशन इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन द एस्पेक्ट ऑफ फंड अवेलेबिलिटी इन द बजट। यानी कि जो 65 साल, 70 साल और 75 साल होने पर जो सरकार की तरफ से 5%, 10%, 15% की बढ़ोतरी पर सरकार से रिक्वेस्ट की गई है, उसमें उन्होंने बोला कि मैटर जो अंडर कंसिडरेशन है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से कंसल्ट करने के बाद ही जो है आगे इस मैटर पर बात हो सकेगी। हालांकि बड़ा अच्छा मैटर है, अगर ऐसा होता तो सभी पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट ये होगी। आप चाहते हैं अगर आपको 5% 10% 15% में पेंशन में बढ़ोतरी मिले तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।